मतलब पहले ओमार के थ्रू चल रही थी, लेकिन ओमार के थ्रू नहीं चल रही अब। नया कोच के बारे में बता। नया कोच कौन आ गया कि IBBF आपको झूठ बोल रहा है, इनको सरकार से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी रिकॉग्निशन खत्म हो चुकी है 31 दिसंबर 2021 से, विच मीन्स 2 साल 1.5 साल होने को आया। फॉलोअर्स बढ़ जाए या ब्लू टिक मिल जाए, वीडियो वायरल हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। चल झूठा। अभिषेक यादव ने ओमर वेंचुरा को छोड़कर नया कोच किसे हायर किया, इसकी कंप्लीट अपडेट हम लेके आ चुके हैं। एंड तरुण गिल ने IBBF फेडरेशन को क्यों बोले कि ये आप लोगों को चूतिया बना रही, इसकी कंप्लीट अपडेट हम लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, तो सबसे पहले हम सिद्धांत जायसवाल के विषय में बात कर लेते हैं। हम आपको बताना चाहते कि सिद्धांत जायसवाल को कल इंस्टाग्राम की तरफ से ब्लू टिक मिल गया, मतलब कि उनका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। जैसे कि यहां पास आप सिद्धांत जायसवाल के प्रोफाइल में देख सकते हैं कि ऊपर साइड एक ब्लू टिक का सही का निशान बना हुआ है। तो चलिए सिद्धांत जायसवाल के लिए कांग्रेचुलेशन लिखना मत भूलिएगा। अब हम सुन लेते कि सिद्धांत जायसवाल को ब्लू टिक मिलने के बाद सिद्धांत जायसवाल ने अपने फैंस को क्या रिप्लाई किया है। अरे यार, इंस्टाग्राम पे मुझे ब्लू टिक मिला है, तो बहुत सारे जो लोग मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो लोग स्टोरी बना के डाले हैं और कांग्रेचुलेशन भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता ब्लू टिक। मेरे लिए ये है कि वो कोई अचीवमेंट नहीं है, वो तो यार जैसे एक ऐप है और उस पर एक वेरिफिकेशन मिल गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, जब अभी जैसे मैंने अपना फ्रेंचाइजी ओपन किया, 5वां स्टोर जो मेरा ओपन हुआ, तो उन सब चीज़ों के लिए आप कॉन्ग्रेचुलेशन करोगे ना, तो मुझे लगता है ना यार कुछ अचीव किया, कुछ किया। अभी जैसे मैंने अपना बोर्ड शॉर्ट लॉन्च किया था, वो हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। तो उस चीज़ के लिए यार आप लोग कमेंट किया करो, उस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोला करो, बहुत अच्छा लगता है, और उसके लिए तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ। बाकी तो यार ये तो ऐप है, आज है कल नहीं है, बट ये सब अचीवमेंट काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए, और लगता है कि हाँ सच में कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ अचीव कर रहे हैं। और इसके लिए जब आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करते हो या कमेंट्स करते हो या अप्रिशिएट करते हो, तो सच में अच्छा लगता है। इवन कभी अगर अपना PR भी हिट हो जाता है, तो फिर लगता है यार कुछ अचीव किया, उसके लिए लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी फॉलोअर्स बढ़ जाए या ब्लू टिक मिल जाए, वीडियो वायरल हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ये सबका अपना अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया है, मेरा अपना है, मेरा इसी तरीके से। मतलब मैं खुश रहता हूँ जब मैं लाइफ में रियल कुछ कर पाता हूँ, तो और जब मैं रियल कुछ करता हूँ तो आप लोग कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगता है। उसके लिए भी अच्छा लगा, बट उसके लिए करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। अभी ओपनिंग वाला पोस्ट डाला है, वहाँ पे जाके थोड़ा बताइए, प्यार भरिए, थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही मुकेश सिंह गहलोत की तरफ से, उन्होंने डेड लिफ्ट को मजबूत करने के लिए क्या टिप्स दिए, उसको सुन लेते हैं। दोस्तों पेनले रोज एक बहुत ज़बरदस्त टूल है आपकी डेड लिफ्ट को ओवरऑल पोस्चर पे और आपकी स्पीड में काम करने के लिए। आप इसको महीने में एक बार भी करेंगे तो चलेगा, 5-5 रैप, लेकिन हर बार हर रैप को आपने डेड वेट से उठाना है, रनिंग में नहीं लगाना, जैसे आप नॉर्मल बारबेल बैंड और रो लगाते हैं। इसमें जैसे 5-5 रैप के सेट करें, आप जिस वेट तक जा सकते हैं, लाइट से शुरू करके हैवी तक, जहाँ तक आपके 5 रैप आते हैं, पोस्चर को पकड़ के एक एक रैप डेड वेट से उठाना है, और ये आपकी डेड लिफ्ट की स्पीड पर भी काम करेगा, आपके पोस्चर को पे काम करेगा, आपका जो अपर बैक का एंगेजमेंट है उसको भी इम्प्रूव करेगा, और यही सब चीज़ें हैं जो आपकी डेडलिफ्ट को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। तो महीने में एक बार इसको करेंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपके पूरे सीजन में आप इसको करें तो 4-5 ट्रेनिंग में ही आपकी बैक में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा डेड में। थैंक यू। तरुण गिल ने IFBB फेडरेशन को एक्सपोज करने के बाद अब वो इंडियन फेडरेशन IBBF फेडरेशन को भी एक्सपोज कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड क्या प्रूफ यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं उसको देख लेते, क्या यहाँ पर तरुण गिल सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यार हमारे भोले भाले बॉडी बिल्डर एथलीट्स के साथ क्या हो रहा है यार, अभी तो IFBB थी, अब ये IBBF इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन, जिसको चेतन पठारे और प्रेमचंद डेगरा जी हेड करते हैं, और जो कहते हैं कि हमारे को गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, इस फेडरेशन के थ्रू आप खेलोगे आपको जॉब्स मिलेंगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि IBBF आपको झूठ बोल रहा है, इनको सरकार से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी रिकॉग्निशन खत्म हो चुकी है 31 दिसंबर 2021 से, विच मीन्स 2 साल 1.5 साल होने को आया, इनके पास सरकार से कोई मान्यता नहीं है,
लेकिन अभी भी ये लड़कों को, बॉडी बिल्डर्स को बेचारों को ये बोल रहे हैं कि आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, ट्रायल्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उनका लोगो यूज़ कर रहे हैं साई का, विच इज़ रॉन्ग। मैं झूठ कह रहा हूँ तो ये मैं लेटर डाल दूंगा यहाँ पे NSF का, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का, जिसमें स्पोर्ट्स यूथ मिनिस्ट्री को लेटर जा रहा है, एफिडेविट जा रहा है, जिसमें 48 फेडरेशन को कहा जा रहा है, उनको अप्रूव किया जा रहा है कि ये फेडरेशन एग्जिस्ट करती है, इनको सरकारें से मान्यता प्राप्त है, और इन 48 फेडरेशन में IBBF का नाम नहीं है, ना ही मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इनका लोगो या नाम है। तो व्हाट डज दैट टेल यू कि भाई साहब आप कंपटीशन खेल रहे हो, एक बारी फेडरेशन से पूछ तो लो, आप बोल रहे हो सरकारें से मान्यता प्राप्त है, पूछ तो लो इनसे यार। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट यार, बॉडी बिल्डर्स के साथ इतना बुरा हो रहा। प्लस अगर मैं गलत हूँ तो आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर चेतन पठारे एंड प्रेमचंद डेगरा जी, जो इस फेडरेशन के कर्ता धरता हैं, आएँ वो लेटर दिखा दें कि ये देखिए कि ये हमें मान्यता प्राप्त है सरकार से। आई टेक डाउन दिस वीडियो एंड आई अपोलोजाइज। तो मैं ना सभी बॉडी बिल्डर को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब अब ये कहना बंद कर दो कि हमें इंडिया के लिए मेडल लाना है, हमें इंडिया के लिए प्रो कार्ड जीतना है, मिशन इंडिया, इंडिया हमारा यू नो फ्लैग पीछे रखते हैं जब वो कंपटीशन जीतते हैं। सो लेट मी टेल यू भाई, इंडिया में कोई भी ऐसी फेडरेशन नहीं रही अब जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड हो। फिर सुन लो, इंडिया में कोई भी ऐसी फेडरेशन नहीं है, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जिसको गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, जहां आप ये बोल सको कि आप ये इंडिया के लिए खेल रहे हो। सो आप इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हो, बॉडी बिल्डिंग अब एक सिर्फ प्राइवेट स्पोर्ट है, चाहे वो IFBB हो, चाहे वो IBBF हो, चाहे कोई भी और फेडरेशन हो। सो इट्स नॉट अबाउट इंडिया एनीमोर, इट्स अबाउट यू एंड योर परफॉर्मेंस। सो कैसे पैसा कमाना है, कैसे अपने आप को प्रमोट करना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कोई एक्सपेक्ट मत करना इंडिया से, किसी से भी, nobody is going to do anything for you, you have to do everything on your own as a bodybuilder। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही अभिषेक यादव की तरफ से। अभिषेक यादव के नए कोच के विषय में बात करने से पहले हम अभिषेक यादव की प्रेजेंट टाइम की कंडीशन के विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये भी 8 days आउट है सेडू क्लासिक से। आप यहाँ पर अभिषेक यादव का मिड सेक्शन एंड ओवरऑल बॉडी देख सकते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही, बॉडी में मसल मास भी काफी अच्छा है, बॉडी शार्प एंड रिप्ड दिख रही। तो आप लोगों को अभिषेक यादव की इस कंडीशन को देख के क्या लगता है, क्या अभिषेक यादव अगेन गोल्ड मेडल जीत के प्रो कार्ड की फाइट में उतर के क्या वो इस बार फाइनली सेरू क्लासिक में प्रो कार्ड जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम सुन लेते हैं कि अभिषेक यादव ने अपना नया कोच किसे हायर किया है। कोचिंग में थोड़ा चेंज, किसके अंडर ले रहे हैं हम कोचिंग अब, और भी इस टाइम पे पीक 3 weeks आउट में हमने किसको चेंज, किसको हायर, किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं। मतलब पहले ओमार के थ्रू चल रही थी, लेकिन ओमार के थ्रू नहीं चल रही अब, मतलब 4 weeks से जो लास्ट वीडियो थी जब से ही चेंज हुआ है। रीजन भी ये कि क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कुछ है, मैं पूरा 100% दे रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि कोच भी 100% दे। उनके थ्रू मतलब कि डाइट और वर्कआउट पुश कराते तो गुरु जी थे, शेड्यूल वेड्यूल भी खुद ही बोलना पड़ रहा है, तो फिर इसलिए इन दी एंड अभी और चेंजेस बहुत स्लो हो रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम थे स्टेटस चेक इन भी कम कर दिए, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लेना इस बार। अच्छी गई थी प्रेप, बट अभी और अच्छा करना है। जिनके थ्रू होने वाली है उनने बोला कि मैं ही कराऊंगा, तो आगे पता चल जाएगा कौन है। अभी जस्ट उठाऊं मैं, कार्डियो करके आऊं अपना फास्टेड, और उसके बाद पोजिंग कर रहा हूं यहां पे। अब मेरा कार्डियो दिन में 3 बार है, मॉर्निंग तो फास्टेड है ही, आफ्टर वर्कआउट भी है, और इवनिंग में भी यहीं पर ही, वो साइकिल दिख रही है ना, उसका उपयोग कर रहे हैं हम। नया कोच के बारे में बता। नया कोच कौन आ गया? तो वही कि अब गुरुजी के थ्रू ही पूरी प्रेप, पहले खाली आप पुश करते थे वर्कआउट में, अब पूरा प्रेप गुरुजी करा रहे हैं। अब करा ही रहे भाई, पिछले कई साल से करा रहे हैं। आप वो एक अलग प्रोजेक्ट है, वो करने बीच में हेल्प भी उसमें, बाकी गुरुजी का तो साथ ही हो गई अभी पहले भी।